कि फिरौन कौन है। फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लकब फिरौन होता था। तकरीबन 18 या 19 फिरौन आए, जो भी बादशाह होता था उसका लकब था ये फिरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। अब जो मूसा अली सलाम के ज़माने का फिरौन था वो बड़ा जरी था, उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आया, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिरौन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था, हज़ारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूट कर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पर गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा, सुबह नजूमियों को काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई, फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिला कर देगा, तेरी सल्तनत के हिला करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल ख़ानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते थे, लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो ज़माना है जब मूसा अली सलातु तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा। तो एक साल छोड़ा जाता, एक साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी माँ हमला थी और पैदा होने का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे जहाँ चाहे बचाए, हाँ जिस अंदाज में चाहे वो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने बात इल्का की कि तहखाने में चली जाए। वो तहखाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये साल मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल ख़ानदान से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो, भला कोई माँ कैसे बहाएगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वरबतना अला कल्बिहा, हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। उनकी माँ संदूक में रख करके बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती हैं, बहा देती हैं और अपनी बड़ी बेटी को कहती हैं कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी उस संदूक के पीछे। संदूक बहते 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 एक बागीचे के किनारे लगा, वो बागीचा फिरौन का ही था और फिरौन की बीवी वहाँ पर टहलने के लिए शाम के वक्त आया करती थी। जब वो अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ आई तफरी के लिए तो एक संदूक को अपने बगीचे के किनारे लगा हुआ देखा, उठाने के लिए कहा, उठाया गया तो नहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया ही होता है। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समंदर में दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा, मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया, कहाँ से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने यह कहा कि इसको मत मारो, ला तख्तलु असाही अनफअना औ नतखिदहु वलदा, करीब है कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया, फिरौन जो है बेगम की बात पर आ गया।
और उसके बाद रख लिया बच्चे को।